अब ये केस देख लीजिए, 55 साल का एक आदमी है जिसको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो रखा हुआ है। अचानक वो तुम्हें 4 घंटे पहले ही बेहोश हो गया हुआ था 15 मिनट के लिए। जब उस वो होश में आया तो वो अपने दाहिने साइड को बॉडी के दाहिने साइड को हिला ही नहीं पा रहा था। हिस्ट्री ऑफ कोमा और हेमिप्लेगिया के बुनियाद पर हम लोग, और वो भी एक टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट में होने के वजह से प्रोविजनल डायग्नोसिस हम लोग बना रहे हैं हाइपरग्लाइसेमिक हाइपररोसमोलर स्टेट की, जो कि तुम्हारी एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होती है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की। सिंस 2 हफ्ते से पेशेंट में तुम्हारी पॉलीयूरिया होती चली जा रही है, जहाँ पर वो दिन में 12 बार से ज़्यादा बार पेशाब करता रहता है, और उस पेशेंट को तुम्हारी निमोनिया हो रखी हुई थी 1 हफ्ते से, जिसके लिए वो पेशेंट दवाइयाँ ले रहा है अमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा। इसके अलावा इस पेशेंट में कोई भी हिस्ट्री नहीं है क्लाउडेड सेंसोरियम की, कोई भी तरीके का जैक्सोनियन टाइप की कन्वर्शन नहीं हुई है, और कोई भी ब्लीडिंग या फिर कोई भी एविडेंस नहीं मिल रही है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का। इन्वेस्टिगेशन करने पे इस पेशेंट में ब्लड ग्लूकोज तुम्हारी 1200 मिलीग्राम पर डिसलीटर तक बढ़ी हुई मिल रही है। सेरम ऑस्मोलरिटी 340 मिलीऑस्मोल पर केजी तक बढ़ चुकी हुई है, जो कि नॉर्मली 200 से 290 आनी चाहिए। पीएच 7.35 तक आ चुकी हुई है, जो तुम्हारी घट गई हुई है, तो एसिडोसिस इंडिकेट कर रही है, ठीक है ना। सेरम बाइकार्बोनेट लेवल 20 मिलीग्राम पर लीटर तक आ चुकी है, जो कि घट चुकी है, नॉर्मल 24 होनी चाहिए। नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट जब यूरिन का किया गया तो कोई भी कीटोनेमिया या फिर कीटोनोरिया नहीं मिल रही है। साथ में पेशेंट को कोई भी कुस्मॉल ब्रीदिंग नहीं अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे। पेशेंट में एनायन गैप तुम्हारी नॉर्मल आ रही है 12 तक, इसी वजह से इस पेशेंट को नॉर्मल एनायन गैप और माइल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही होगी। इसी वजह से ब्लड ग्लूकोज 600 पार कर रही है, सेरम ऑस्मोलरिटी 330 पार कर रही है, सीवियर कीटो एसिडोसिस नहीं हो रखी हुई है, और बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन एंड फाइंडिंग्स और क्लिनिकल फीचर देखते हुए हम लोगों ने डायग्नोसिस बना हुआ है कि इस पेशेंट को एक्यूट मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन हो रही है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की एज हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर स्टेट, और पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है कोमा लेके और हेमिप्लेगिया लेके, जो उसको हो रखी है राइट साइड के तरफ, और ये प्रेसिपिटेटेड हुई है इन्फेक्शन के वजह से, जैसे कि निमोनिया हो रखी हुई थी इसी वजह से। अब इस पेशेंट को तुम्हारी सीवियर डिहाइड्रेशन हो रही है, लेकिन नॉर्मल एनायन गैप वाली माइल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है, लेकिन किसी भी तरीके का कीटो एसिडोसिस नहीं हो रही है, लैक्टेट लेवल भी नहीं बढ़ गई हुई है। 10 लीटर फ्लूइड इस पेशेंट में हम लोग अभी इंस्टिल करना चाहते हैं, तो इसी इंस्टिल कर देना चाहते हैं। इसी वजह से पहले 3 लीटर हम लोग 0.9% नॉर्मल सलाइन दे रहे हैं 2 घंटे में, उसके बाद हम लोग 0.45% नॉर्मल सलाइन देते रहेंगे तब तक जब तक ब्लड ग्लूकोज तुम्हारी 300 मिलीग्राम पर डिसलीटर नहीं आ जाती है। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज 300 मिलीग्राम पर डिसलीटर आ जाएगी, उसके बाद ही हम लोग 5% DNS चलाएंगे, 5% डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन चलाएंगे इस पेशेंट में, तब तक जब तक 10 लीटर का तुम्हारा फ्लूइड डेफिसिट करेक्ट ना हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इस पेशेंट में रेगुलर इंसुलिन चलाएंगे एज लो डोज IV इन्फ्यूजन, तब तक जब तक ब्लड ग्लूकोज 200 मिलीग्राम पर डिसलीटर तक ना घट जाए, और इन सब के वजह से तुम्हें पोटेशियम की कमी हो जा सकती है, इसलिए पोटेशियम की सप्लीमेंटेशन भी हम लोग शुरू कर देंगे ताकि इंसुलिन रेगुलर इंसुलिन की वजह से हाइपोकैलेमिया ना हो जाए। इसके अलावा हम लोग IV सोडियम बाइकार्बोनेट दे रहे हैं इस पेशेंट को, ताकि बाइकार्बोनेट का लेवल हम लोग 24 मिलीग्राम पर लीटर तक ला सके। एमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा जैसे उसकी चल रही है वैसे इसको चलाएंगे इन्फेक्शन को ठीक करके रखने के लिए। 12 घंटे की ट्रीटमेंट के बाद अब पेशेंट का ग्लूकोज लेवल 184 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रही है। पीएच 7.38 आ रही है। सेरम बाइकार्बोनेट लेवल तो 22 तक आ चुकी है। सेरम ऑस्मोलरिटी 292 तक मिलीऑस्मोल पर लीटर तक आ चुकी है, और सेरम पोटेशियम लेवल 4 मिलीग्राम पर लीटर तक है। पेशेंट कॉन्शियस है और अपने हाथ पैर और बॉडी को पूरा मूव कर पा रहा है, लेकिन कोई भी डिफिकल्टी नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी पेशेंट को कमजोरी सी महसूस हो रही है, इसलिए पेशेंट को हम लोग अगले 24 घंटे तक मॉनिटर करते रहेंगे और उसके बाद डिस्चार्ज कर देंगे, और 2 हफ्ते बाद फिर से फॉलोअप करने को कहेंगे। फिर से देख लीजिए इस केस को। 55 साल का एक आदमी है जिसको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस बड़े 10 साल से हो रखी हुई है। अचानक वो बेहोश हो गया हुआ था 4 घंटे पहले 15 मिनट के लिए। जब उसे होश आया तो वो अपने दाहिने साइड के बॉडी को मूव ही नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से हिस्ट्री और कोमा और हेमिप्लेगिया हो रखी हुई है एक टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट को। इसी के बुनियाद पर हम लोगों ने प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाया कि इस पेशेंट को हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर स्टेट हो रखी हुई है, जो कि एक एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होती है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की। सिंस 2 हफ्ते से पेशेंट को तुम्हारी पॉलीयूरिया चली हुई है, दैट इज 12 बार से भी ज़्यादा बार वो पेशाब करता रहता है दिन में, और पेशेंट को तुम्हारी 1 हफ्ते से निमोनिया भी हो रखी हुई है, जिसके वजह से वो दवाइयाँ ले रहा है एमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा। कोई भी हिस्ट्री नहीं है क्लाउडेड सेंसोरियम की, जैक्सोनियन टाइप कन्वर्शन की या फिर ब्लीडिंग की, और एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की कोई भी एविडेंस भी नहीं मिल रही है। इन्वेस्टिगेशन करने पे ब्लड ग्लूकोज तुम्हें 1200 मिलीग्राम परसेंट तक बढ़ चुकी हुई है। सेरम ऑस्मोलरिटी 340 मिलीऑस्मोल पर केजी तक आ रही है, जो कि जबकि नॉर्मली 200 से 290 आनी चाहिए, यहाँ पे बढ़ चुकी हुई है। पीएच तुम्हें 7.35 आ रही है, जहाँ पे घट गई हुई है, मतलब कि एसिडोसिस हो रही हुई होगी।
ठीक है। सीरम बाइकार्बोनेट लेवल तुम्हारे 20 मिलीग्राम पर लीटर तक आ चुकी है, नॉर्मली 24 तक आनी चाहिए। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट जब किया यूरिन का, तो हम लोगों कोई कीटोनेमिया या फिर कीटोनूरिया अप्रिशिएट नहीं हो पाई है। इसके साथ ही साथ इस पेशेंट में कोई कुस्मॉल ब्रीदिंग भी नहीं हो रही है। पेशेंट में एनायन गैप तुम्हारी नॉर्मल है 12 तक, इसी वजह से इस पेशेंट को नॉर्मल एनायन गैप वाली माइल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही भी होगी। और इसी वजह से पेशेंट में ब्लड ग्लूकोज 600 पार कर रही है, सीरम ऑस्मोलरिटी 330 पार कर रही है, लेकिन कोई सीवियर कीटो एसिडोसिस नहीं हो रही है। और बाकी सारे इन्वेस्टिगेशनल फाइंडिंग्स और क्लिनिकल फीचर के बुनियाद पर हम लोग बोल रहे हैं कि इस पेशेंट को एक्यूट मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन हो रही होगी टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस की, जिसमें इस पेशेंट को हो रही है हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट, और पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है कोमा और हेमिप्लेगिया लेके, और हेमिप्लेगिया उसको डाइनेसाइड में हो रखी हुई है और ये प्रेसिपिटेटेड हो रही है इन्फेक्शन के वजह से, जैसे कि निमोनिया हो रखी हुई है। अभी इस पेशेंट में सीवियर डिहाइड्रेशन हो रही है, लेकिन फिर भी नॉर्मल एनायन गैप वाली माइल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है, लेकिन कोई भी कीटो एसिडोसिस नहीं हो रही है और कोई भी लैक्टेट का लेवल बढ़ी हुई नहीं मिल रही है। 10 लीटर का फ्लूइड इस पेशेंट में हम लोग इंस्टिल कर रहे हैं। पहले 2 घंटे तक हम लोग 3 लीटर 0.9% नॉर्मल सलाइन चला चुके हुए हैं, उसके बाद हम लोग 0.45% नॉर्मल सलाइन दे रहे हैं तब तक जब तक ब्लड ग्लूकोज तुम्हारी 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक ना आ जाए। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज तुम्हारी 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक आ जाती है, उसके बाद ही हम लोग इस पेशेंट में 5% डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन चालू कर देंगे, तब तक जब तक 10 लीटर का फ्लूइड डेफिसिट हम लोग करेक्ट ना कर दे। इसके बाद ही हम लोग पेशेंट में रेगुलर इंसुलिन देंगे लो डोज आईवी इन्फ्यूजन के तहत, तब तक जब तक ब्लड ग्लूकोज तुम्हें 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक ना आ जाए। उसके अब ये रेगुलर इंसुलिन चलने की वजह से पोटेशियम की कमी हो जाएगी, इसी वजह से हम लोग इस पेशेंट में पोटेशियम सप्लीमेंटेशन करके रख दे रहे हैं, ताकि रेगुलर इंसुलिन के वजह से हुई हाइपोकैलेमिया को हम लोग ठीक करके रख दे सके। आईवी सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम लोग दे रहे हैं लेवल को 20 से 24 मिलीग्राम पर लीटर तक लाने के लिए। साथ ही साथ इन्फेक्शन के लिए हम लोग एमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं। 12 घंटे की ट्रीटमेंट के बाद अभी पेशेंट का ग्लूकोज लेवल 184 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक आ चुकी हुई है। पीएच 7.38 तक आ चुकी है। सीरम बाइकार्बोनेट लेवल 22 तक आ चुकी हुई है। सीरम ऑस्मोलरिटी 292 मिलीऑस्मोल पर लीटर तक आ चुकी है, पर केजी पर केजी तक आ चुकी है। सेरम पोटेशियम लेवल 4 मिलीग्राम पर लीटर तक आ चुकी हुई है। पेशेंट अभी बेहोश में है और पेशेंट अपना हाथ पैर से सब कुछ सही सलामत तरीके से मूव कर पा रहा है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन फिर भी पेशेंट को कमजोरी सी महसूस होती चली जा रही है। इसी वजह से पेशेंट को हम लोग अगले 24 घंटे तक के लिए मॉनिटर करते रहेंगे और उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर देंगे और 2 हफ्ते बाद इसको फॉलोअप करने को कह के रखे हुए हैं। यह था आज का हमारा केस। थैंक यू।